السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا एक बात जो मैं सालों से कर रहा हूँ उसी का मजाकरा करना चाहता हूँ और वो ये है कि दीन सिर्फ कुछ इबादत और कुछ रसूमात का नाम नहीं है दीन इज़ नॉट अबाउट जस्ट वर्शिप एंड अ फ्यू ओकेजन्स और अ फ्यू इवेंट्स दीन पूरी ज़िंदगी का नाम

तो इसका ये मतलब नहीं है कि पांच वक्त की सिर्फ़ नमाजें पढ़ लो काफिरून के अंदर अल्लाह सुबहाना फरमाया कि आप काफिरों से ये कहें कुल या फिरूँ ला आबुदू मत आबुदूँ कि मैं उस खुदा की इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो तुम बुतों की इबादत करते हो मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ वला अन तुम अबिदू नमा आबुद वला अब तुम अब तुम वाला तुम अबिदू नमा आबद इसमें इबादत किस की यानि किस इबादत क्या होती है इबादत अबदीत का नाम है इबादत सिर्फ नमाजों का रोज़ों का हज का नाम नहीं है नमा इबादत अबदीत को कहते हैं अला वो हो होता है जिसकी इबादत की जाए आबूत को कहते हैं अला और इबादत का मतलब अब है तो जिसकी मैं मानता हूँ वो जिन, जिन जिन जो जिनको तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह के साथ मैं उनकी इबादत नहीं करता ना ही करता हूँ ना ही करूँगा उनसे ये कह दीजिए कभी नहीं करूँगा लकुम दीन वलिया वली दीन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिए मेरा दीन कुछ लोग जो इबादत को समझते नहीं हैं उन्होंने अजीब अजीब बातें की हैं तो ये नहीं समझते कि इबादत अब्दियत का नाम है अगर इबादत सिर्फ़ नमाज का नाम होता मिसाल के तौर तो पे, तो फिर अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि कि मैंने जिनों इंसानों और जिनों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें ऐसे ही नहीं खलनासिल्लाको दूँ कि मैंने इंसानों को और जिन्हों को नहीं पैदा किया समाए इस चीज़ के लिए कि वो मेरी इबादत करें मकसूद है यात तो सिर्फ़ इबादत है फिर हम ये क्या कर रहे हैं क्यों हम बाज़ारों में जाते हैं क्यों तजारत करते हैं क्यों जॉब्स करते हैं क्यों यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं क्यों सब कुछ करते हैं अगर कोई इबादत का मतलब नमाज रोज़ा हदसक़ को ही बनाता है तो फिर तो वो अल्लाह ताला की सरी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है कोई भी काम करके तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इबादत सिर्फ़ नमाज रोज़ हदसक़ात का नाम नहीं है से बढ़ किसी और चीज़ का भी नाम है जिसको हम दीन कहते हैं तो दीन उसूलों के मजमू का नाम है दीन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का नाम है जिस ऑफ प्रिंसिपल्स पे हमने ज़िंदगी गुजारनी है सुबह से लेकर रात तक पैदाइश से लेकर मौत तक वो जो उसूलों के मजमू है उसको उसको दीन कहते हैं और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो सेट ऑफ़ प्रिंसिपल्स वो इस्लाम हैं इन इन्न नदीना इन इस्लाम इस्लाम जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बताता है अल्लाह के नज़दीक वही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स काबिल कबूल है इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम बेहसी मुसलमान भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए अमेरिका में आजकल ये जो वीकेंड है ये एक लॉन्ग वीकेंड है और इसको थैंक्स गिविंग वीकेंड कहते हैं वो लोग अमेरिका में बहुत अर्सा रहा हूँ और थैंक्स गिविंग का ताल्लुक़ इसके बारे में बड़ा इख्तलाफ है कि थैंक्स गिविंग क्यों है यानी शुक्रिया अदा करना किसी का किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कुछ ने कहा कि जी वो जो नेटिव इंडियंस थे उन्होंने आके सिखाया कि जी एग्रीकल्चर कैसे करना है पैदा पैदावार कैसे उगानी है तो हम उनको उनको शुक्रिया अदा करते हैं और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं लेकिन एक बात यह भी है ये उनका मजहबी त्यौहार है उसके अंदर वो लोग लो टर्की खाते हैं और और पता नहीं क्या क्या करते हैं लेकिन मुसलमान भी मना रहे हैं उनको मुसलमान दिवाली भी मना रहे हैं मुसलमान सारे बाकी दूसरों के त्यौहार भी मना रहे हैं और ना सिर्फ ये कि ये तो त्यौहारों की बात हो गई ना ये तो रसूमात की बात होगी और त्यौहारों की बात होगी मुसलमान दूसरी सो कॉल्ड आइडियोलॉजीज़ को भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कोई किसी इज़म का कायल है कोई किसी इज़म का कायल है ये जितने भी इज़म्स हैं है, ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं ना सोशलिज्म हो गया कम्युनिज्म हो गया लिबरलिज्म हो गया ये सारे इज़म्स तो इंसान ने बनाए हैं लेकिन इंसान के बनाने वाले इंसान के खालिक ने जो आइडियोलॉजी हमें दी है उसी का नाम तो इस्लाम है तो या तो आप मैन मेड ह्यूमन मेड इज़म्स के पीछे जाएँ या फिर आप खुदा के बनाई हुई आइडियोलॉजी के पीछे जाएँ तो एक ही चीज़ हो सकती है दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं और जब हम आइडियोलॉजीज़ की भी बात करते हैं आइडियोलॉजी तो एक ही होती है एक ही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं ऐसा नहीं होता कि जी मैं किसी एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ एक मल्टानेशनल के अंदर मिसाल के तौर पर वो टेली कम्युनिकेशन की है और मैं कहूँ कि जी ये टेली कम्युनिकेशन की कंपनी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर मैं फार्मास्यूटिकल के भी प्रिंसिपल्स को लेकर ले लेके आऊँगा इट डज़ नॉट मेक सेंस इन एनी वे इवन दो टेली कंपनी है एक कारपोरेट के एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं दूसरे के एक और सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं आप उनको भी मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते ये तो दुनिया का दस्तूर भी नहीं है यानी इंसान के जो दुनिया की दुनिया के बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी ये दस्तूर नहीं चलता तो जिंदगी में ये दस्तूर कैसे हम अपना लेते हैं ये लकुम दीन वकुम वलिया दीन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिए मेरा दीन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो जो इस्लाम नहीं लाते यहाँ पे काफी से मुराद वो लोग हैं जो इनकार कर रहे हैं जो इनकार कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और हैं मेरे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और हैं उनको बता दो क्लैरिटी के साथ और हम मिक्स एंड मैच करने की कोशिश कर रहे हैं तो भाइयों मेरे अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे बन रहें अल्लाह ताला चाहते हैं कि कामिल अबदीत के अंदर आए यादीन आमन इत हक का वला तमत इल्ला मुस्लिम मुस्लिमून ईमान तकवा इख्तियार करो जैसे कि तकवा इख्तियार करने का हक़ है और तुम्हें मौत न आए सवाए इस हाल में कि तुम मुसलमान हो यानी क्या मतलब है सारी ज़िंदगी हम कोई और दीन अपनाएं और मरते वक्त मुसलमान हो जाए इसका ये मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि अपने ऊपर मेहनत करते रहो और मौत से पहले पहले इस हालत में पहुंच जाओ कि तुम्हारी तुम कामिल तकवे वाले बन जाओ इसी को तो इस्लाम कहते हैं तकवा क्या होता है कि अल्लाह ताला की हर नाफरमानी को छोड़ देना कामिल अबीत के अंदर आ जाना इसी को तकवा कहते हैं और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने ऊपर मेहनत करते 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 मौत से पहले पहले हाँ तुम एक तुम तुम इस हालत में आ जाओ कि तुम कामिल मुसलमान हो जाओ मुसलमान नहीं बल्कि कामिल इस्लाम में कामिल मुसलमान में कामिल अदयत में आ जाओ कामिल तकफे की कोशिश करो यह है दीन प्लीज़ हम सबको दीन के बारे में समझना पड़ेगा कि दीन है क्या दीन पूरे का पूरा दीन वो पूरी की पूरी जिंदगी का नाम है मेरी सुबह से लेकर रात तक जैसे मैंने अर्ज़ किया और पैदाइश से लेकर मौत तक एक, एक लम्हे का नाम दीन है मैं सुबह उठूं मैं कैसे उठूं क्या करूं दुआ पढ़ूँ के, के व्हाट्सएप चेक करूँ कि क्या करूँ उसके बाद इंसान जनरली बाथरूम जाता है बाथरूम कैसे जाऊँ अपनी कज़ाए हाजत कैसे पूरी करूँ कैसे मैं वजू करूँ कैसे मैं अपने आप को साफ करूँ इस दिन जा कैसे करूँ अल्लाह के रसूल भी बता रहे हैं अगर दीन सिर्फ़ इबादत का नाम होता तो अल्लाह के रसूल क्यों बताते कि इस दिन जा कैसे करने? सलमान फारसी रदी अल्लाह वो उनको किसी यहूदी ने कहा कि कि तुम्हारे ये कैसे रसूल हैं तुम्हें ये भी बताते हैं कि जी कितने पत्थरों से इस्तनजा करना है कि इस्तजा कैसे करना है जो भी हदीस मुझे पूरी याद नहीं आ रही लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी तुम्हें बताते हैं इस्तजा कैसे करना है कहासूल ने बताया कि इस्तार करना है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है हमारे दीन के अंदर जो हमारे लिए वेग छोड़ दी गई हो इसके अंदर कोई भी इबहम छोड़ दिया गया हो लई लुहा हा हमारे दीन की रात भी ऐसी है जैसे दिन होता है हमारे रात हमारी रात में भी हमारे दीन की रात में भी अंधेरा नहीं है उसमें भी रोशनी है कैसे वज़ू करना है कैसे निकलना है कैसे इबादत करनी है कैसे फर्ज पढ़ने हैं फर्ज से पहले क्या पढ़ना है उसके बाद अस्कार क्या करने हैं दुआ कैसे मांगनी है दुआ का तरीका बताया जा रहा है ऐसे दुआ मांगो कि ऐसे दुआ मांगो ये भी बताया जा रहा है किस तरह दुआ मांगनी है सजदे में जा दुआ मांगनी है कि हाथ उठा के दुआ मांगनी है सब बताया जा रहा है उसके बाद दिन का आगाज़ कैसे करना है काम कैसे करना है तिजारत कैसे करनी है नौकरी कैसे करनी है कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करना है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल कैसे करना है रेंट कैसे रेंट पे घर कैसे लेना है ख़रीदना कैसे किस्तों पर कैसे खरीदना है एक एक चीज़ की गाइडलाइन है शादी कैसे करनी है शादी किससे करनी है क्या नीयत होनी चाहिए शादी से पहले शादी के बाद बीवी के साथ सलूक कैसे करना है शौहर के साथ सलूक कैसे करना है बच्चे पैदा हो जाए बच्चों के साथ क्या करना है वालदेन के साथ कैसे रहना है एक एक चीज़ ये है दीन इस्लाम इसको कहते हैं दीन प्लीज दीन को समझने की जरूरत है हमारी अक्सर लोग अक्सर उम्मत बदकिस्मती से चूंकि उन्होंने दीन को इबादत के साथ जोड़ दिया और कुछ रसूमा के साथ मैं बार बार रसूमा इसलिए कहता हूँ साथ में क्योंकि शबे बारात के ऊपर हलवे जब तक नहीं बिकेंगे तो हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं है ना? जब तक पटाखे नहीं छोड़ेंगे और पतियाँ नहीं लगाएंगे तो शायद हमारे इस्लाम में कमी आ जाती है और क्या कुछ करते हैं भाई मरने के बाद तीसरे दिन क्या करना है चालीसवें दिन क्या करना है एक साल बाद क्या करना है जब तक हम इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक हम शायद अच्छे मुसलमान नहीं हैं मेरी अहलिया के वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ बहुत साल पहले तकरीबन पच्चीस साल पहले तो मेरी अहलिया ने कुछ उस वक्त तक पढ़ना शुरू कर दिया था उन्होंने घर वालों के साथ मशवरा किया कि देखिए कोई रस्म नहीं करेंगे मौत की वर्ष थोड़ी होती है बस इंतकाल होता है दफनाते हैं आप दुआ करते हैं साले सवाब करते हैं मतलब मरने के बाद लोगों के लिए साले सवाब करें हर बंदा तो कोई है सच नहीं है तो वो मुझे बता रही थी कि रिश्तेदारों ने कहा अच्छा फलां रस्म नहीं करेंगे कह कर नहीं जी रसम नहीं करेंगे बस आप दुआ कीजिए आप कुछ कुरान पढ़ के इस साले स्वबाब कर दीजिए जहाँ जहाँ आप हैं आप लोग तो कर दीजिए रस्म तो कोई ऐसा नहीं है तो कह रहे ऐसे कॉमेंट्स हैं इनको तो अपने वालद से मोहब्बत ही कोई नहीं थी इसका मतलब ये कैसे ये कैसे ये कैसी औलाद है कि अपने वालिद के लिए रस्म भी नहीं कर रहे यानी ये अच्छे मुसलमान नहीं है दूसरे अल्फाज के अंदर नॉट गुड मुस्लिम्स जिसको अपने बाप की मौत के ऊपर कोई रस्म भी नहीं करते ये कैसे मुसलमान कुछ रसूमा और इबादत और इसीलिए उम्मत का यह हाल है डेट इज़ आवर प्रॉब्लम राइट माशरत जैसे भी हो मामला जैसे भी होंखलाकियात जैसे भी हों डीलिंग्स जैसे भी हों उससे कोई गर्ज नहीं है और इस धोखे में सारी आगे सारे का मतलब अक्सर अक्सर जो है वो अक्सारे के हुक्म में आता है कभी कभी अक्सर कुल के हुक्म में हो जाता है पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मैं कहता हूँ सारे का मतलब अक्सर लोग यहाँ तक कि अगर मैं किसी दीनदार का इंतखाब करता हूँ ना किसी काम के लिए मैं कहता हूँ यार इनके साथ बिजनेस करना चाहिए मुझे तो मैं क्या देखूँगा इनकी टोपी इनकी दाढ़ी इनका इनक, इनकी इनका शलवार कमीज या कुर्ता पजामा ये मैं देखूंगा बस यार यूसुफ साहब जो है ना ये बड़े दीनदार आदमी है माशा कितनी लंबी दाढ़ी है इनकी हर वक्त सर पर टोपी पहन के रखते हैं मेरे पास लोग आए हैं और उन्होंने एक से ज़्यादा केसेस आए हैं पिछले कई अरसे के अंदर कि जी मैंने तो किसी को देख के कारोबार किया उसकी दाढ़ी उसकी टोपी उसकी नमाजें और मेरा पैसा लेके भाग गया अब उसको मैं क्या बताऊँ मैंने कब यही बता सकता ना उसको तो कंसोल ही करता है बंदा बेचारे का पैसा चला गया तब उसको उस वक्त तो नहीं कहते लेकिन आप उसको स... तो जब ठंडा हो जाएगा तो उसको समझाएंगे भाई आपका इंतखा ही गलत था आपने देखा क्या उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं उसके अखलाक़ देखते हैं उसकी माशरत देखते हैं उसका बातचीत देखते हैं उसकी डीलिंग्स देखते हैं उसके बाद जब तुम्हें कुछ अहतमा होता है उसके ऊपर कि यह सच बोलता है खैरत नहीं करता है लोगों के साथ उसका रवैया अच्छा है लोगों की एक एक चीज़ के बारे में सोचता रहता है जब इस पे थोड़ा सा एतमाद पैदा होता तो फिर तुम उसके साथ कारोबार करते ये कारोबार करने का क्या तरीका था तुम्हारी यानी चॉइस ही क्योंकि वो खुद भी यही समझ रहा है दीन क्या है और लोगों के बारे में भी यही सोच रहा है और उसी बेस के ऊपर जब वो डीलिंग करेगा तो यही मामला होंगे ना भाइयों ये उम्मत का इशू है जनरल इशू है इसको समझने की प्लीज ज़रूरत है और अपने आप को भी कामिल दीन के अंदर ढालने की अशद जरूरत है क्योंकि भाई जब तक दीन कामिल नहीं आएगा एक तो अल्लाह का हुक्म है फुल स्टॉप इन न दीना इन इस्लाम वाल तम तुम मुस्िमून मौत ना आए यहाँ तक कि तुम कामिल इस्लाम की हालत में आ जाओ पूरे के पूरे दीन के अंदर आ जाओ जैसे कि हम कहते हैं इस हाल में तुम तुम्हारी सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल इन अदर वर्ड्स इस चीज़ के अंदर हो कि तुम शरीत के पूरे के पूरे जो उस हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ मेरे अच्छे ख़ासे लोगों को देखा है जो दीनदार बनना चाहते हैं कि वो भी उन्होंने पिक एंड चूज़ है बस वो जो एक लाइफ स्टाइल चेंज है ना वो बहुत ही कम लोगों के अंदर ये जरूरत है जो लाइफ स्टाइल चेंज अपना दीन के मुताबिक लाना लाना चाहते हैं बहुत कम लोगों के अंदर ये जरूरत है हर बंदा कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखाता है और उसकी वजह ये कमज़ोर है हिम्मत नहीं है उसकी सुबह घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर पर्दे के मामले के अंदर रसूमात के अंदर शादियों के अंदर इट कहीं ना कहीं जो है ना कुछ गड़बड़ हो रही होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे पेयर प्रेशर वहाँ पे इंसान खुदा को भूल जाता है वहाँ पे लोगों के दबाव में आ जाता है यही तो इशू है मेरे भाइयों, यही तो इशू है एक हदीस मुबारक में आता है तिरमिजी शरीफ़ की रिवायत है मफूम याद आ रहा है मुझको अल्फाज नहीं है मफूम बता रहा कि नबी करीम ने फरमाया कि अगर कोई अगर कोई लोगों के डर अगर कोई अल्लाह के डर से लोगों की मुखालफत भी मोल ले लेगा अगर कोई अल्लाह ताला के डर से लोगों की मुखालफत भी मोल ले लेगा ले तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे यानी अल्लाह ताला उसके मामला को सुधार देंगे दूसरे अल्फाज में ये बंदा मिसाल के तौर पर मेरी खाला कहती हैं कि तुम्हारी शादी हो रही है तो राजाना तो होना चाहिए और मैं कहता तो हूँ नहीं खाला देखिए ये तो शरीयत के ख़िलाफ़ है नाच का ना होना वो कहती मैं नाराज़ हो जाऊँगी तुमसे सब तो तब कहें प्लीज़ नाराज़ ना हो देखिए गलत बात है वक्ती तौर तो पर शायद नाराज़ हो जाए लेकिन अल्लाह ताला उनके दिल में बहुत जल्दी वो नाराज़गी निकाल देंगे और वो आपसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह ताला इस बंदे के लिए काफ़ी हो जाए और फरमाया कि अगर कोई लोगों के डर से अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेगा तो अल्लाह ताला इस बंदे को उन लोगों के हवाले कर तो तो कि ओ ताला इस बंदे को लोगों के हवाले कर देंगे बचे ना ना खुदा ही मिला ना विस सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे यही मामला होता है ये लोग इस पर नाराज़ नहीं होंगे ना किसी और बात कल को नाराज होंगे लोग कभी खुश होते हैं कि जी आपने गाजर का हलवा क्यों खिलाया सूजी का क्यों नहीं खिलाया पहले कहेंगे हलवा खिलाओ फिर हलवा खिलाएंगे तो कहेंगे जी गाजर का क्यों है ये सूजी का क्यों नहीं है फिर सूजी का खिलाएंगे तो कहेंगे मीठा कम मीठा कम क्यों डालें मीठा कम डालेंगे तो कहेंगे ज़्यादा क्यों नहीं डाला है ज़्यादा डालेंगे तो कहेंगे ये जो है दो घंटे पुराना बना था फ्रेश क्यों नहीं बना के खिलाया फ्रेश बना के खिलाएंगे तो कहेंगे इतना गर्म क्यों है कभी खुश नहीं होते लोग अगर लोगों की खुशी के पीछे हम भागेंगे मेरे भाइयों करना चाहिए लोगों को खुश ऐसा नहीं है कि लोगों को खुश नहीं करना चाहिए लोगों की खुशी के लिए लोग काम करना चाहिए लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अल्लाह ताला की नाराज़गी अल्लाह ताला को नाराज़ करके लोगों के साथ करेंगे तो अल्लाह ताला लो बंदे को लोगों के हवाले कर देते हैं यानी अल्लाह ताला की मदद अल्लाह ताला का हाथ इस बंदे से उठ जाता है तो क्या फ़ायदा हुआ तो मेरे भाई वो पूरे के पूरे दीन के अंदर आने की कोशिश ये है हमारी जिंदगी का मकसद अच्छा वला तमत व तुम मुसलि के अंदर अल्लाह ताला आलम लेकिन शायद एक इशारा ये भी मिलता है कि ये एक स्ट्रगल लाइफ टाइम स्ट्रगल है मौत ऐसे हाल में आए कि तुम कामिल मुसलमान हो एक जिंदगी की स्ट्रगल है और अफकोर्स प्रैक्टिकली भी ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बटन दो चार ऑन करूंगा और मैं बिल्कुल फरिश्ता बन जाऊँगा ऐसा तो नहीं है एक जद्दोजहद है ना अलमुजा हिदो मनजा हद नफ्सा पीता मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे उसको अल्लाह की इताद के अंदर लाने में ये पूरा कोशिश है एक इंटरनल स्ट्रगल है अगर मैं 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 बखील हूँ तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने उस बखल को दूर करने के लिए दुआएं करूँगा बड़ी मुश्किल से निकाल के जो है ना सौ निकालूंगा कल को 200 निकालूंगा परसों पाँच सौ निकालूंगा बड़ी एक स्ट्रगल के साथ बोझ लगेगा है ना फिर इवेंचुअली कहीं जाके मेरे दिल थोड़ा सा खुलेगा अदीस पढ़ूंगा लोगों के महफिलों में बैठूंगा, कुछ तरगीब सुनूंगा अल्लाह के वादों को याद करूंगा, वगैरह 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 एक पूरा एक मेहनत लगेगी यहाँ तक के मेरा दिल उसके अंदर जेनरोसिटी पैदा कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह जेनरस जनरस होते हैं लेकिन उनके अंदर और इश्यूज़ होते हैं उनको किसी को गुस्सा काबू नहीं होता किसी से ज़बान काबू नहीं होती किसी से किसी के दिल में हसद आ जाता है लोगों की खुशी नहीं देखी जाती हर बंदे की स्ट्रगल्स हैं लेकिन उस स्ट्रगल को आइडेंटिफाई करना उस स्ट्रगल को उसको बड़ी दयानददारी के साथ उसको अपने आप ही की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना उसको आइडेंटिफाई करना उस पर मेहनत करना ये पूरी ज़िंदगी का काम है लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये कोशिश होगी इनशाला और सीरियस कोशिश होगी और सिंसियर कोशिश होगी अगर हम पूरे के पूरे मुसलमान ना बन सकें पूरे के पूरे दून में, दीन में ना आ सकें पूरे का पूरा दिन तो मेरे फेवरेट लग रहा है ना पूरे का पूरा दिन पूरे का पूरा दिन सिर्फ असर के बयान से तो नहीं आता ना पूरे के पूरे दिन के लिए मेहनत करनी पड़ती है अपनी ज़ात के साथ तो पूरे के पूरे दिन में अगर हम ना भी आ सकें इन अल्लाह ताला क्यामत के दिन ऐसे उठाएंगे कि आप जैसे पूरे के पूरे दिन में थे दलील भी तो होनी चाहिए ना कोई इसकी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि हिजरत करो महाजरीन को कहा मक्का वालों को हिजरत करो अगर हिजरत करोगे और अगर तुम्हारी हिजरत अभी पूरी नहीं हुई और तुम्हें मौत ने आगे पकड़ लिया बीच में तो तुम्हारा अजर अल्लाह के साथ आए थे उबार का है? याद है हाफि साहब हाँ फिर बोले यख रोज मब्बेती महाजरन इनल्ला व रसूल ही तुम मधर खुलमऊ फ़द्द वक़ा अजरु الله جزاك الله خير ठीक पढ़िए में से जो हिजरत करे अल्लाह अल्ला के रसूल के लिए और फिर उसको मौत बीच में आ ले तो उसका आचर अल्लाह के साथ अभी पहुँचा नहीं है हिजरत करके हिजरत उसकी कामिल नहीं हुई है लेकिन उसको पूरे का पूरा अजर मिलेगा जैसे कि उसने हिजरत कर ली ये भी तो हिजरत है ना अभी कनी वल सलाम ने फरमाया ना कि एक महाजिर वो, वो है जो अपनी इस लाइफ स्टाइल से ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ जो नाफरमानी का लाइफ स्टाइल है उससे हिजरत करके कामिल फ़रमा बरदारी के लाइफ स्टाइल में आ जाए ये भी तो हिजरत है तो उस जब हिजरत कर रहे हैं और बीच में मौत आ गई तो इन शह फवका अजरू अज़र हुआ अल्लाह तो उसका अजर अल्लाह के साथ इन ऐसे ही उठाया जाएगा जैसे कि वो हजरत कर चुका इस इस जिंदगी से उस जिंदगी तक जैसे कि वो कामिल दीन के अंदर आ चुका जैसे कि वो पूरे का पूरा मुसलमान हो चुका लेकिन उसके लिए एक सेंसियर कोशिश मेरे भाइयों एक अखलास वाली आप मैं सबको धोखा दे सकता हूँ मैं आपको दे सकता हूँ सारी दुनिया को दे सकता हूँ मैं अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता मैं अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता अल्लाह को सब पता है मेरी नीयत क्या है मेरा इरादा क्या है मेरी सोच क्या है मुझे बस क्या आते हैं मेरे दिल में क्या है मैं अपने कमरे में क्या करता हूँ राइट मैं अपने घर में क्या करता हूँ अपनी बीवी से कैसे बात करता हूँ तो अल्लाह को सब पता है आपको नहीं पता आपका मुझे नहीं पता अल्लाह को सब पता है यहाँ तक कि कई चीज़ें जो मुझे पता है मुझे नहीं पता है वो भी अल्लाह को पता है इसलिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह आप मेरी हालत को जानते हैं अल्लाह से मत माननी चाहिए ना अल्लाह मेरी हालत को जानते हैं और आप वो भी जानते हैं जो मैं नहीं जानता हूँ अपने बारे में या मैं आपसे तोफ़ी मांगता हूँ कि मैं पूरे का पूरा दिन के अंदर आ जाऊँ आप मुझे तोफ़ी दे दीजिए कि मैं ऐसा बन जाऊँ जिससे आप राज़ी हो जाए ये दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंदर बुराइयाँ हैं क्या मेरे अंदर इशूज़ हैं क्या अल्लाह को सब पता तो मेरे भाइयों पूरे के पूरे दिन में आने की कोशिश करनी चाहिए उसके अंदर अकायद की मेहनत इबादात की मेहनत कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस पूरे के पूरे के दिन को समझाने के अंदर कभी ऐसा ना कहीं कर बैठूं कि मैं इबादात की अहमियत को कम कर दूं अल्लाह ना करे लेकिन मैं इबादात की बात इसलिए कम करता हूँ कि जो दीन की बात करते हैं वो इबादात की तो बात ही करते हैं मैं तो उनके ऊपर टॉप अप कर रहा हूँ उसको डिनाई नहीं कर रहा उसको अलग नहीं कर रहा मैं उसको ऊपर बात कर रहा क्योंकि वो तो सबको ही पता है देखिए सबसे पहले अकायद होते हैं उसके बाद फ़र्ज़ इबादत होती हैं कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं है अगर इंसान फराइज की पाबंदी नहीं करता पांच वक्त की रोज़ाना नमाज मुबारक के रोज़े अगर आप साहिब निसाब हैं तो सालाना ज़कवात और ज़िंदगी में एक दफ़ा हज अगर साहेब इस्तात हैं ये तो फ़राइज हैं इसके ऊपर तो इससे पहले तो हम बात ही नहीं करते ये तो फरज़ है फ़राइज का मतलब ही क्या है जिसमें कोई इख्तियार ही नहीं है मुझे कोई इखियार नहीं है कि मैं इसको करूँ या ना करूँ नवाफिल में इख्तियार है मुझे मैं मतलब तो पढ़ूँ या ना पढ़ूँ अशराक पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ अवाबीन पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ दस मुहर्रम को रोज़ा रखूं के ना रखूं, शवाल के छह रोज़ा रखूं के ना रखूं, ये सारे के सारे मुझे इख्तियार है, रखें बहुत अच्छी बात है नहीं रखेंगे कोई गुनाह नहीं लेकिन फ़र्ज तो फ़र्ज है राइट मैं ये भी बात बार बार कर चुका हूं कि नबी करीम सलात साम जब किसी से बहते इस्लाम करते थे जब किसी को मुसलमान कोई होने आता था उसको बताते थे ये फ़राइज है देखो तुम मुसलमान हो रहे हो तुम्हारे ऊपर पान पकी रोज़ाना नमाज है रमज़ान के रोज़े हैं अगर वो साहिब इसतात होता तो ज़क़ात के बारे में बताते थे हज की फर्जियत से पहले हज के बारे में नहीं बताते थे हज की फर्जियत जब हो गई तो उसके बाद हज के क्योंकि ऐसी हदीस आप पढ़ेंगे जिसमें हज के बारे में जिक्र नहीं है तो आपको हज के बारे में क्यों नहीं बताया तो हज की फर्जियत से के बाद हज के बारे में बताते थे और अगर साहिब इस्तात होता तो ये उस वक्त बताते थे उसके बाद आप मुझे कोई हदीस दिखाइए माशाल्लाह में से कुछ वाले लोग हैं कभी को आपने हदीस पढ़ी कि मुसलमानों को कह रहे हो कि मुसलमानों पांच वक्त बक्की नमाज पढ़ा करो क्यों ना कौन सी मैंने आखिर में जाके एक तरकीबन बात की ना बिल्कुल जब अपनी आखिरी के, के नमाज की पाबंदी करो राइट लेकिन ज़िंदगी में मुझे कुछ मुझे नहीं नज़र आती एक आखिर में करके जब एक कम्बाइन ओवरऑल वसीयत कर रहे थे कि नमाज की हिफाजत करना और औरतों के साथ अच्छा सलूक करना ये उनकी आखिरी नसीहत थी और वो भी उम्मत उनके सामने थी लेकिन सहाबा को मुझे नहीं समझ में आती कि सहाबा को कहीं उन्होंने कहा हो पाँच की नमाज़ पढ़ा करो क्योंकि ये तो उनके लिए फ़र्स था ये उनके लिए कुछ च्वाइस थी ही नहीं ये इसके बाद ऊपर आती है दीन के बाकी चीज़ें जिसको हम मामला कहते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है बाइक सली कैसे करनी है ख़रीदो फरुख कैसे करनी है निकाह कैसे करना है लोग जो दूसरे कबाइल के साथ आज कल मुल्कों के दरमियान माहिदे होते हैं वो कैसे करने हैं इनको मामल कहते हैं फिर माशरत आपस में मिलजुल के रहना कैसे कहीं मेरे मुँह से बदबू तो नहीं आ रही प्याज कच्चा तो नहीं खा के मैं मुझसे चला गया दीन ये भी बता रहे हैं एक दफ़ से नूबारी रजील्ला जिनके घर में क्याम था नबी करीम सलाम का हिजत के बाद तो वो खाना भिजवाते थे तो और जो बच जाता था वो फिर दोनों मियाँ बीवी खुद खाते थे तो एक दिन खाना भिजवाया तो वैसे का वैसा वापस आ गया तो नबी करीम सलातम परिगुन ने नहीं नोश फरमाया तो वो परेशान हो गए मियाँ बीवी के आज क्या हुआ तो सीना अबू ऐब रदी अल्लाह तनोंने ने जाके पूछा यहाँ कि आज आपने खाना नहीं खाया तो, तो बहुत प्यार से कहा कि उन्होंने कहा आज इसमें न कच्चे प्याज थे तो देखो मैं तो मेरे पास तो फ़रिश्ता आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कच्चा प्याज खाऊं और मेरे मुंह से बदबू आए ताकि मैं फ़रिश्तों से ऐसा ना उस बदबू की हालत में हम कलाम हो और फरिश्ते बहुत लतीफ़ मखलूक हैं उनको बदबू से सख्त नफरत है बदबू उनको बुरी लगती है यातिन को बदबू अच्छी लगती है लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है मुँह से बदबू ना आए घर में आके मिसवाक कर रहे हैं ये सब दीन हैं खुशबू लगाएं, साफ कपड़े पहने वेल एक अच्छी आपकी अटायर हो एक दम नबी करीमला ने फरमाया कि लायत खुलजन्नत मनका नफी कल भी मिसाल सर्रतन मिनके पर शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकबर होगा तकबुर क्या होता है क्यों हुँ? किसी को अपने से छोटा समझना ये तो करोला चलाता है मैं तो पिजेरो चलाता हूँ है ना वो तो उसके वो दस तो हज़ार कमाता है मैं तो पचास हजार कमाता हूँ उसकी शक्ल ऐसी देखो उसकी नाक कैसी उसकी आंख कैसी उसकी उसके सर पर बाल भी नहीं है दूसरों को अपने से कम समझना ये तकबर है जरा बराबर तकबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया होगा ना किसी के दिल में वो जन्नत में नहीं जा सकता एक सहाबी थे वो परेशान हो गए हम तो हदीस सुनते हैं परेशानी आती है हमारे दिलों के अंदर वो जन्नत में नहीं जा सकता अगर जरा बराबर भी तकबर होगा मैं क्लास में हूँ मुझे इतनी जल्दी समझ में आता है इसको समझ नहीं आता कैसा बेवकूफ़ है ये तो है राइट क्या करें अगर मेरे पास माल ज़्यादा है तो है ना अगर मेरी गाड़ी बड़ी है तो है अगर मेरा घर अच्छा है तो है मुझे समझ जल्दी आता तो आता है मैं क्या करूँ क्या करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे माल दिया अल्लाह का शुक्र है मुझे समझ जल्दी आ जाता है अल्लाह का शुक्र है मेरा मेरी गाड़ी अच्छी है अल्लाह का शुक्र है मेरा घर अच्छा है तो अल्लाह और अल्लाह या आको भी दे दे इसको भी समझ में आ जाए करें, या अल्लाह इसको भी आप इसके पास गाड़ी बड़ी पुरानी है अल्लाह इसको भी अच्छी गाड़ी दे दें ये एटीच्यूड होना चाहिए ना तो अगर अपने आप को अच्छा समझेंगे किसी से अच्छा नहीं बड़ा समझेंगे बेहतर समझेंगे उसकी तहकीर करेंगे तो जन्त पर नहीं जा सकता एक सभा परेशान हो गए या रसूल उस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसके कपड़े अच्छे हों और उसके जूते अच्छे हों और एक हदीस में आता है या अल्लाह मुझे, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कपड़े अच्छे हों मेरे जूते अच्छे हों वो ये पूछना चाह रहे हैं कि रसुल्ला तकबर तो नहीं कहीं कभी करी मन का क्या रेस्पॉन्स था अकफर इन अल्लाह जमाल अल्लाह तल खूबसूरत है खूबसूरती को पसंद करते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं और तुम्हारे जूते अच्छे हैं ऐसे ही होना चाहिए अगर तुम्हारे पास माल है तो अच्छे कपड़े अच्छे जूते अच्छी गाड़ी ये तो अच्छी बात है अल्लाह तला को पसंद है फरमाया तकबर यह नहीं है तकबर यह है कि कोई हक को झुटलाएँ और लोगों को छोटा समझें ये तकबुर का एक बड़ा कॉमन रिस्पांस है कि आपको कोई अच्छी बात भी बताएगा ना तो आप उसको कबूल नहीं करेंगे एक शोर ने अपनी बीवी को कहा कि देखो नमाज पढ़ा करो नमाज नहीं आप पढ़ती नमाज पढ़ा करें तुम्हारी बहन कौन सा पढ़ती है तुम्हारी बहन पढ़ती है कोई मुझे कह रहे हो ये है तकबर इन अदर वर्ड्स हु आर यू टू टर्मी तुम कौन होते हो मुझे बताने है? इसको तकबर कहते हैं तुम कौन होते हो वो आपका भला सोच रहा है आपका बहुत ही मुखलिस शोहर है वो कई दफ़ा बीवियाँ और हस्बैंड्स को कुछ समझाने की कोशिश करती हैं और ओ माय गॉड वो जो आग लग जाती है कि ये कौन होती है मुझे बताने वाली ये होता था कब तो कपूर की बात कहाँ से आ गया कपूर तो की बात कैसे शुरू हो गई किस कॉन्टेक्ट हाँ कॉन्टेक्स में शुरू हो गया तक की बात भूल ही गया मैं जी कौन क्या कह रहे हैं सॉरी सुबहानल्ला खैर माशरत के बारे में बात कर रहे थे ना कि कि, हाँ कि किस तरीके कि मुंह से बदबू ना आए अच्छे कपड़े पहने किसी किसी अच्छे, अच्छे अपने अपनी अटायर को ठीक रखें इस इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि वो अच्छे कपड़े वाली हदीस में तकबर की पार्ट था तो उसमें मैं तकबर की बात चल पड़ी थी तो एनी वे ये माशरत कि एक दूसरे एक अच्छ, अच्छा अटायर हो लोगों को अच्छा लगे देखना खुशबू लगाए इंसान राइट मुँह से बदबू ना आए इसको मुशरत कहते हैं आप मुझे मिलजुल के रहना कैसे है लोग आ रहे हैं कि यहीं पे अगर सारे लोग बैठ जाएंगे तो बेचारे नए आने वाले कहाँ से आगे आएंगे ये मुआरत इंसान सोचे मेरी वैसे चीज़ को तकलीफ तो नहीं हो रही है इंसान सोचे कि ऐसा नहीं तो नहीं है कि मैं मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़े हो के नफल पढ़ना शुरू हो गया हूँ तो बेचारे जिन्होंने दरवाजे से गुजरना है वो अब खड़े हैं इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आगे से गुजर नहीं सकते वो और वो खड़े हैं इंतज़ार कर रहे हैं ये माशरत कि जब नबी करीम ने फरमाया कि मस्जिद में जाओ जुमे के दिन तो मेम्बर के पास आके बैठो वही बात अगर पीछे जिस तरह होता है हमारे आज भी जुमा था मैं काफ़ी जल्दी चला गया और सुबह अल्लाह बिल्कुल बाहर ऐसे रश था मैंने कहो माय गॉड इतनी जल्दी आ गया फिर भी रश और जब मैं अंदर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ सारी मस्जिद खाली थी सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं और उन पे साहब किसी तरह टाप टूप के जा रहे हैं ये गलत बात है ये है मुआशरत ये दीन अब जुमा पढ़ने आ गए लेकिन मुआशरत हमें कोई नहीं आती दरवाजे को बिल्कुल ब्लॉक किया जबकि सारी मस्जिद खाली थी अंदर की यह मौशरत। तो हैामलात अखलाकियात अपने अखलाक कैसे बनाने हसद कीना, बोगस, दिल दुनिया की बेचा मोहब्बत वगैरह वगैरह ये ना हो यह तो पूरा एक टॉपिक है लेकिन प्लीज मैं दीन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार करता रहता हूँ मैंने सोचा इसको एक टॉपिक बना के बात करनी चाहिए तो प्लीज़ अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही दीन काबिल कबूल दीन है यानी इस्लाम के बताए हुए प्रिंसिपल इस्लाम की बताए हुए रूल्स वो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है और कुछ नहीं है कैसे रहना है कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है कैसे बैंकिंग करनी है कैसे सब कुछ करना है वो जो अल्लाह ने इस्लाम के 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 के, डोमेन में बताई हैं अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें बताई हैं वही काबिल कबूल है और कुछ काबिल कबूल नहीं है हम मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते हैं ये नहीं हो सकता कि अगर हम हम इंडिया में रहते हैं तो कुछ हिंदुओं के असूल अपना लिए कुछ अपने ऊसूल अपना लिए अगर हम किसी वेस्ट में रहते हैं तो कुछ क्रिश्चियंस के असूल अपना लिए कुछ अपने अपना लिए अगर कहीं और रहते हैं तो कुछ यहूदियों के अपना लिए कुछ अपने अपना लिए कुछ चाइना में रहते हैं कुछ चाइनीज़ के अपना लिए कुछ अपने अपना लिए अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ वही उसूल काबले कबूल हैं जो कि अल्लाह ताला ने बताएं प्लीज़ इसको समझें दीन को समझें एक एक दफा नबी करीम सलातम साहबा के साथ तशीफ़ फरमा थे एकदम से फरमाया कि नसीहा नसीहा दीनसीहा नसीहा तीन दफ़ा फरमाया और ये जब बहुत अहम बात होती थी या मजमा ज़्यादा होता था तो इस तरह सामने दाएं बाएं नबी करीम सलाम तीन दफ़ा फ़रमाते थे, थे। कोई बात अब ये तो इतनी अहम बात और क्या इसका क्या मतलब क्या मतलब तर्जुमा करें दीन सिर्फ खैर खाही का नाम दीन सिर्फ खैर खाई का नाम है इन नमद दीनों नसीहत एक रिवायत में भी आता है कि दीन सिर्फ खैर खाई का नाम है अब सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल दीन की डेफिनेशन बता रहे हैं आज कि दीन तो खैर खाही का नाम है ओ माय गॉड ओ एम जी हमारी यूथ के लिए हर चीज़ का मुखफा बना लिए ओ एम जी ओ माय गॉड दीन दीन की डेफिनेशन लिमन या रसूल किसके लिए खैर खाई फरमाया वली रसूल ही वाली किताब ही वालीमसलिम वामत ही दीन खैर खाही का नाम है दीन की डेफिनेशन ये है कि तुम खैर खाई करो अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल के साथ अल्लाह की किताब के साथ मुसलमानों के इमामों के साथ उनके लीडर्स के साथ और आम मुसलमानों सब मुसलमानों के साथ ये है दीन जिस दीन को अल्लाह तला चाह रहे हैं कि हम सब अपनी ज़िंदगी में ले आएँ और उसके बग़ैर तुम्हें मौत ना आए कहीं मेक शोर करना पूरा आ जाए पूरे का पूरा दिन जिंदगी में आ जाए ये तो एक किताब लिखी जा सकती है ना इसके ऊपर अल्लाह के साथ खैर ख़ाई क्या है अल्लाह के रसूल के साथ खैर खाई क्या है अल्लाह की किताब के साथ खैर खाई क्या है पूरी किताब लिखी जा सकती है क्योंकि पूरा दीन डिफ़ाइन हो रहा है ना ये तो पूरे फिका की किताबें पूरी अखलाकियात की किताबें इस्लाह नफ्स की किताबें उन सब को आप ज्वाइन कर लें तो इस हदीस की तश्रिया हो अगर एक जुमले में बात करनी हो अल्लाह के साथ खैर खाई क्या है कि अल्ला की पूरी की पूरी मान के चलें पिक एंड चूज़ ना करें अल्लाह की इबादत करें जैसे इबादत करनी चाहिए अल्लाह के रसूल के साथ खैर खाई क्या है कि अल्लाह के रसूल की सीरत का मुताला करें और जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी वैसे ज़िंदगी गुजारें इसी को सुन्नत कहते हैं सिर्फ दाढ़ी टोपी हलवा नहीं है सुन्नत, पूरी की पूरी ज़िंदगी और उसमें भी इफरात व तफरीत नहीं फरात तो तफरीत क्या होती है ज़ाती नहीं कमी नहीं ना ज्यादा करना उस पर ना कम करना कम तो बहुत करते हैं माशाल्लाह कुछ लोग ज्यादा भी करते हैं नबी करीम फरमाया वाहिया व मन फिदीन वनका नगुल्दीन दीन में गुलू ना करना दीन में गुलू करने से बचना क्योंकि तुमसे पहले लोग हलाक हो गए दीन में गुलू करने से एग्जाजरेट करने से कुछ चीज़ें उनके अंदर इतनी वसूत होती है लेकिन हम उसको इतना सा करके कहते हैं बस यही है और कोई इधर करे या इधर करे ना जबकि इतनी है अगर वो इधर से इधर या इधर से इधर दो डिग्री भी इधर उधर हो जाएगा ना तो उसमें फतवे लगाना शुरू हो जाते या कुमलू वह मत करना बचना ऐसे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बातें बताई हैं वही दीन है उसके ना इधर उधर उससे ज़्यादा इसकी बेतहाशा मिसालें दे सकता हूँ वक्त हमारे पास पाँच मिनट रह गए प्लीज़ जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दीन बताया है वैसा दीन अल्लाह की किताब के साथ खैर खाई ये क्या है नंबर एक तिलावत करना नंबर दो समझना नंबर तीन अमल कर मेरे भाइयों क़ुरान एक जिंदा किताब है क्या मतलब इसका क्या मतलब आज के आज के दौर के लिए हर दौर के लिए काबिल अमल किताब है ये नहीं है कि पंद्रह सौ साल पहले आई थी और बस पंद्रह सौ साल पुरानी किताब है वो एक जिंदा किताब है जिस पे अमल हर दौर में लाजिम है और वही हमारी कुरान और सुन्नत ही तो हमारी हर प्रॉब्लम की इसका सोल्यूशन है वही तो दीन है उस पर समझना उसके साथ एक नस्बत पैदा करना ख़ास तौर पर मेरे इल्म पढ़ने वाले भाइयों और बहनों और बच्चों और बच्चियों मैं कहता रहता हूँ ये प्लीज़ कुरान से नस्बत पैदा करें कुरान से नस्बत पैदा करें ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि पाँचवें छठे सात में, में साल के अंदर हमें पता ही नहीं है कि कुरान में ये चीज़ कहाँ है मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हाफिज़ बन जाएंगे लेकिन कम अज़ कम इतना इस्तेजार तो हो कि अगर कोई बात चल रही हो और आप कहें कि जी कुरान में है कि नहीं है तो आपको पता हो कि कुरान में है और अरबी पढ़ने वालों को एक स्टेप और होना चाहिए कि अच्छा हाँ ये जो बात है ऐसी है तो इसका अरबी में क्या होगा ताकि हम एक ऐप खोलें कुरान की और उसमें वो लफ्स वो जो जो भी अरबी का लफ्स है उसको टाइप करें सर्च करें और आपको पंद्रह आयात सामने आ जाए तो उसमें आप पिक कर सकें हाँ ये वाली आए ये होना चाहिए ये है कुरान से निसबत इतनी दफ़ा हमने कुरान पढ़ा है पिछले रमज़ान में कितना पढ़ा था कितनी दफ़ा कुरान खत्म किया हमने तिलावत में। एक दफ़ा दो दफ़ा हाँ ऐसी बता दिया यार दो दफ़ा चले माशाल्लाह अब दो तो दफा बंदा कुरान पढ़ ले एक महीने के अंदर जिंदगी में कितनी दफ़ा पढ़ाओगे ऐसे ही ऐसे रैंडम नंबर बोल यार बीस दफ़ा चालीस दफ़ा पचास दफ़ा कुछ तो ऐसे ही ना अगर आपको मैं किताब दूँ सॉरी मैं ऐसे ही गप्पे मारूँ अगर मैं आपको एक किताब दूँ और मैं आपको कहूँ यार ये किताब है किसी की भी राइट मिस्टर जॉन की और मिस्टर जॉन की किताब में आपको कहूँ यार इसको ना आपने अगले दो साल में बीस दफ़ा पढ़ के आना है और आपको टारगेट दूँ और उसके बाद आपको मैं दस हज़ार रुपया इनाम दूँगा आप दस हज़ार रुपये के इनाम के लालच में इस इसको बीस दफ़ा दो साल में पढ़ लें क्यों उमर तो बीस दफ़ा पढ़ने के बाद मैं दो साल बाद आऊँ और आपको कहूँ यार मुझे बताओ कि ये ये बात इस किताब में लिखी है क्या करेंगे आप कहेंगे पता नहीं सोचता हूँ ऐसे तो नहीं होगा ना ऐसे करके कहा यार वो तो पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पर लिखी हुई है बीस दफ़ा पढ़ी है आपने दो साल में अब कुरान के साथ ऐसा क्यों नहीं इतनी दफ़ा पढ़ी है हम पढ़ाए हम पढ़ा हमने कुरान तिलावत की पचास दफ़ा चालीस दफ़ा सौ दफ़ा जिनकी उम्र ज़्यादा है पता नहीं कितनी दफ़ा रमज़ान में तीन तीन दफ़ा कर लेते हैं साल में चार दफ़ा अगर किसी की बीस साल उम्र है अस्सी दफ़ा तो ये होगी लेकिन आपके कुरान में पता नहीं इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कुरान से हमारी कोई नस्बत नहीं है कोई नस्बत नहीं हमारी कुरान से हमने उसको भी एक रस्म बना दी अक्सर तो तिलावत ही नहीं करते मैं उनकी बात करूँ जो तिलावत करते हैं मेरे भाइयों कुरान से नस्बत पैदा करें मैं अपने आप को तरगीब दे रहा हूँ कुरान से नस्बत पैदा करें हमें पता होना चाहिए कि, कि कुरान में क्या है और ताकि मैं अपने मसाइल का हल जब मेरे इर्द गिर्द वाक्यात होते दे देखता हूँ और मैं परेशान हो जाता हूँ तो मैं कुरान की तरफ रजू करूँ कि कुरान क्या कहता है इन वाकियात के बारे में इन हालात के बारे में कितने परेशान कुन हालात से हम गुजर रहे हैं और पिछले एक महीने में कैसी अजीब अजीब खबरें हमने सुनी हैं जो दिल की उदासी और दिल की बेचैनी कुरान क्या कहता है कभी देखा हमने कुरान में कुरान क्या कहता है इस बारे में ये है कुरान के साथ खैर खाई मुसलमानों के इमामों के साथ देखिए इमाम जो मुसलमानों का होता है वो इमाम होता है उसकी बात मानना लाजम है आती व आती और रसूल अब गुलमरमिन को अल्लाह की इतात करो अल्लाह के रसूल की इतात करो और तुम्हारे अमीर हैं उनकी इतात करो जायज़ ही नहीं है किसी अमीर मुस्ल, अमीर मुस्लिम की बगावत करना बिल्कुल जायज़ नहीं वह अगर हमारे ऊपर अमीर बन गए तो अमीर बन गए हाँ उनको मशवरे दे सकता है इंसान कि आप ये कर लें ये कर लें लेकिन बगावत जायज ही नहीं अकीदा की किताबों में ये बातें लिखी हुई कि उनके साथ खैर खाई करना एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला किसी ने पूछा यार रसूल अल्लाह कि अगर कोई हमारे ऊपर अमीर बन जाए और वो हमारे हुकूक ना दें तो हम क्या करें उन्होंने कहा तुम उनके हुकूक दो तुम तो उनके हुकूक दो ना और जो तुम्हारे हकूक अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे भी हकूक़ मिल जाए तो अल्लाह से दुआ करो ये तो नहीं कहा कि खड़े हो जाओ तलवार निकाल के तुम उनके हकूक़ दो जो उन्होंने बातें जो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है वो तो तुम उनकी बात बानोबाराम मुसलमानों के साथ खैर खाई इसमें तो पूरे हकूक़ लबाद का चैप्टर आ जाता है उसमें ज़बान भी आ जाती है आँख भी आ जाती है कान भी आ जाते हैं शरमगा भी आ जाती है दिलो दमाग भी आ जाता है साम भी आ जाता है और ये बहुत अहम बाब है मेरे भाई एक हदीस मुबारक बताता हूँ बात ख़त्म करता हूँ इसी टॉपिक से हकूकल आबाद के टॉपिक से एक दफा नबी करीम वसल्लम ने फ़रमाया कि दब्बा इले कुमी कबल को कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे से पहले जो उम्मतें हैं उनकी एक बीमारी रींग के आ गई है या जा आ जाएगी अहसदोलबा हसद और बोस ये पिछली कौमों में रूहानी बीमारी थी तो इस तुम्हारे में भी आ रही है फिर फरमाया ये तो हलक कर देती है लाअुल तहलार मैं ये नहीं कहता कि बालों को हलक करती है उम्र हाँ पर जाते हैं हलक कराते हैं ना शेव कराते हैं कितने बाल रहते हैं भाई अहमद भाई एक आध में भी बिल्कुल भी नहीं रहते ना अगर अच्छा ना ही होगा तो बिल्कुल एक एक स्लिपरी मैदान बन जाएगा ना एक बाल भी नहीं रहता लाकुल तहलकोशार में ये नहीं कहता कि वो बालों को हलक करती है हसद और बोगस वाला के तहल को बल्कि ये दीन को हलक कर देती है दूसरे अल्फाज में दीन का नाम निशान बाकी नहीं रहता यही है ना हलक नाम निशान बाक़ी नहीं रहता अगर किसी के दिल में हसद है और बग़ फिर फरमाया वल्लि नफसी भी यदि ला तत खुलजन्नत हमू उसकी कसम के जिसके कब्जे में मेरी जान है तुम जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते यहाँ तक कि तुम ईमान लाओ वला तो मीनू हत्या और तुम ईमान नहीं ला सकते यहाँ तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो फ़ला उनब उकुम बेमाय सब्ब तो जकुम जाकुम लकुम तुम्हें मैं बताऊँ जो तुम्हें इस पर साबित कदम करते आपस में मोहब्बत करने से फरमाए अफुल्लाम बबैन को एक दूसरे पे सलाम को फैलाओ सलाम किया करो सबसे दिल से किया करो असलकम वरहमल् सब को किया करो फैलाओ आम करो छोटों को बड़ों को राह चलतों को दुकान वाले को रेड़ी वाले को मकैनिक को ड्राइवर को अपने अपने घर में काम करने वाले को अपने एम्प्लॉज़ को अपने चौकीदार को सलाम किया करो देखता तो लोग करते ही नहीं कैसा पता नहीं तकबर भरा हुआ है क्या चीज़ है चौकीदार खड़ा है दरवाजे पे सलामी नहीं करते ड्राइवर गाड़ी चला रहा है आप गाड़ी में आगे बैठते हैं उसको सलामी नहीं करते हैं सलामकुम सर आप क्यों नहीं करते भाई वो छोटा है अगर छोटा समझ रहे हैं तो फिर तो तकबर है शाम को सलाम को आम करो फैलाओ सबको करो एलिवेटर में जाओ लोग मुसलमान अगर हैं वालेकुम कहीं पे भी जाए बाजार में जाए दुकानदार वालेकुम फिर बात करना शुरू करो और जो कि सलाम करे तो आपको क्या आप क्या कहें भाई व वरहुल्ल उतना या ज़्यादा कुरान कहता है ये भी पता है कुरान कहता है पता है कि नहीं भाई कुरान कहते हैं अगर कुछ सलाम करे तो उस उस उतना या उससे बेहतर जवाब दो अगर वह रमतल कहे सुनो पहले गौर से उसने रहमतुल्ला भी कहा तो बरकत भी ऐड करूं भाई या एहतियातन वाले वह वरकत दिल से निकले ना दिल से सलामकुम क्या मतलब है इसका यूसुफ भाई तुम पे मौत हो अल्लाह करे मर जाए तुम मुनाफ़ीन कहते कभी कहते थे अल्लाह के रसूल अलैहि वसम को फिर आयशा ने एक दफ़ा सुन लिया बड़ी नाराज़ हुई बहुत सख्त अल्फाज उनको कहें अ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने कहा यानी आयशा ऐसे मत कहें बस कह दो वालेकुम वाईक जो तुम कह रहे हो तुम ही पर हो जो भी कह रहे हो अच्छी बात कर रहे हो अच्छी बात हो बुरी बात कर रहे हो तुम्हारी मर्जी है वालेकूम बस दिल से कहें ये है मेरे भाइयों दीन अगर ये बोअस हसद रखे अल्लाह के रसूल कह रहे हैं दीन नाम भी बाकी नहीं रहेगा सिर्फ नाम को रह जाएगा असल नहीं रहेगा सिर्फ नाम के होंगे हम अहमद और हामिद और खदीजा और आयशा लेकिन असल में दीन कोई नहीं प्लीज़ मेरे भाइयों प्लीज़ दीन की समझ हासिल करें मयूर दिल्ल भी ख़ैरा फ़क् दीन जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा कर देते हैं उसको दीन की गहरी समझ अदा कर देते हैं ये अल्लाह की तरफ़ से खैर के फ़ैसले हैं जिसको दीन की गहरी समझ हासिल हो जाए अल्लाह से मांगना चाहिए अला फ़क्नी नफ़ी अल्लाह मुझे दीन में गहरी समझ अता कर दीजिए सिर्फ सत ही नहीं गहरी इसी को फ़िका कहते हैं गहरी समझ होने को अल्ला अल्लाह मुझे दीन की गहरी समझ दे दीजिए मुझे समझ में आ जाए दीन है क्या और फिर मुझे अमल की तोफ़ी भी दीजिए अल्लान हक्कन और जुखन तिबा अल्लाह मुझे सच को सच करके दिखा दीजिए और फिर मुझे तो़ीक भी दीजिए कि मैं उस पर अमल कर सकूँ वो तो अरिनल बाला बातिलन और जुखन अजतनाबा और अल्लाह जो ग़लत बात है उसको मुझे गलत करके दिखा दीजिए और मुझे तोफ़ीक भी दीजिए कि मैं उससे बच सकूँ ये मसनून दुआएँ हैं इनका अहतमाम करना चाहिए मेरे भाइयों अल्लाह से मांगना चाहिए थोड़ा निकलें अपनी उस सती लेवल से मेरे सिर्फ खाना कोर में नमक ज़्यादा मिर्च कम बीवी पे नाराज़गी शोर के साथ बिला वजह नाराज़ बच्चों पे बिला वजह गुस्सा डांट ये निकलें इससे अपने अखलाक पैदा करें दीन की समझ हासिल करें अपनी ज़िंदगी को मकसद बनाएं बहुत जल्दी मेरे भाइयों अल्लाह के पास रवानगी है हम बहुत जल्दी दो जल्दी 2023 खत्म हो गया तकरीबन सुबह अल्लाह अभी तो शुरूआत सारे साल शुरू होते खत्म हो रहे हैं शुरू हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं शुरू हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हो रहा है कि जिंदगी भी बस खत्म होने को है बहुत जल्दी अल्लाह के रसूल वसल्लम किस उम्र में तशरीफ ले गए अंदाजन थोड़ा सा इख्तलाफ है लेकिन तिरसठ साल सिक्सटी थ्री ईयर्स राइट सिक्सटी थ्री से अपनी उम्र को माइनस कर लें कितनी रह गई ये तो बड़ी सादत की बात हो ना कोई अगर मसनून उम्र में अल्लाह उससे बुला लें कि अल्लाह के रसूल से कोई नस्बत कोई मुशाबहत हो जाए तो बड़ी ये तो बड़ी सादत की बात हो जाए किसी के लिए तो अगर सिक्सटी थ्री पर अल्लाह ताली बुला लें तो उसमें से माइनस कर लें अपनी उम्र को कितनी रह गई और वो भी कोई गारंटी तो नहीं है गारंटी तो सुबह अल्लाह कल मुझे मैसेज आया हमारे एक साथी है मलेशिया में उन दुआ उन दुआ के लिए मैसेज आया किसी का कि जी उनको हार्ट अटैक हो गया नौजवान साथी बिल्कुल दुआ करें उनके लिए दो तीन साल पहले मलेशिया में ही हमारे एक साथ एक साथी थे बेचारे उनको गालिबन एक्सीडेंट हुआ उनका इंतकाल हो गया जब नौजवानी में हमारे भाई इनके भाई का कितने फोर्टी टू साल थी उनकी उम्र है ना उन थ्री फोर्टी थ्री अच्छा आपके भी तो भाई का इंतकाल हो गया आपके भाई की उम्र थर्टी नाइन थी अल्लाह उनके भाई की उम्र फोर्टी फोर्टी थ्री थी ये सारे हमारे सामने बैठे हैं सुबह अल्लाह अजीब हम किसका इंतजार कर रहे हैं भाई कभी बुलावा आ सकता है और हम उसके लिए तैयार होना चाहिए लेकिन उसके लिए मेरे भाई तैयारी करें दीन में पूरे के पूरे आए अखलाक को अच्छा बनाए लोगों के साथ अच्छा सलूक करें दरगुजर करें माफ़ करें प्यार करें मोहब्बत करें सोच समझ के बात करें ऐसे ही बस कमेंट्स देना इसकी उधर कमेंट, हमारा खाना में पहले भी बात कर तो खाना हजम ही नहीं होता जब तक हम किसी पे कमेंट ना देते आज आजकल सोशल मीडिया के दौर में तो ये मुसीबत इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे तो ऑनस्टली तो रोना आता कभी कभी उसने क्या किया इन्होंने सब बता दिया हाँ। कैसे टाइटल्स लगाएंगे ऐसी बात करेंगे हकीकत क्या है छूट पे मबनी चीजें बिला वजह के कमेंट्स अपने लाइक्स के लिए अपनी फॉलोइंग के लिए अपने मेरे भाइयों अल्लाह से मुलाकात करनी है बहुत जल्दी बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है कुछ पता नहीं कहाँ कौन सा दिन होगा जब वो आखिरी दिन होगा और उस दिन बुलावा आ जाएगा कुछ भी नहीं पता तो अपने आप को तैयार रखे ना अल्लाह से मांगते रहे, रोज़ माफ़ी मांगे सुबह शाम इसल्ला रबी बिन खुल्लम बिन अल्लाह माफ़ कर दे आपसे वफ़रत तलब करता हूँ आपने तमाम गलतियों की तबा करता हूँ यार एक नज़र दिल पे हो कभी किसी के खिलाफ बात आ जाए अस्तफिरल्ल् निकाल दीजिए एक आग लग जाए अपने ऊपर क्यों मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूँ क्यों बदगुमानी आ रही है मुझको उसको निकालने की कोशिश करें दुआएँ करें अल्लाह से यकीन करें दुआ करें निकल जाएगी एक आध दिन में हो सकता है आज लेकिन दुआएं करें निकल जाएगी थोड़ा सा सब्र करें उसको जबान पे लाने से पहले थोड़ा सा सब्र करें दो तीन चार दिन एक हफ्ता दें अपने आप को राइट इन शाती तजुर्बों की बात करूँ कभी दिल चाहता है यार फूल उठाऊ अभी उससे बात करूँ ये क्या थोड़ा सब्र थोड़ा सब्र थोड़ा सब्र दो दिन चार दिन छः दिन एक आधा हफ्ते के अंदर कहते पता नहीं भी क्यों आई आई भी क्यों थी वो बात मैं क्या सोच रहा था पता नहीं क्या सोच रहा था भूल ही जाता इंसान जबान काबू मेरे भाई हो चलो दमाग पे काबू ऐसा जज्बात पे काबू गुस्से पे काबू ये है ये है ये आसान नहीं है ये मुश्किल है लेकिन यही तो अजर है अजर और किस चीज़ का है अगर हर चीज़ बहुत आसान होती बस ये पानी की तरह पानी उठाया पी लिया इतनी आसान होती हर चीज़ तो फिर अजर किस चीज़ का था जन्नत इतनी बड़ी किसके लिए है जन्नत का वादा है छोटी सी चीज़ बग़ैर मेहनत के नहीं मिलती तो इतनी बड़ी जन्नत बग़ैर मेहनत की मिलेगी यही जिंदगी है मैं। लेकिन हम लोगों को एक ऐसे धोखे में जिंदगी ने डाल दिया है वमल खयात तो दुनिया गुरूर दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है यही तो धोखा है कि हम किसी और ही मकसद में लगे वहां पैसा कमाना गाड़ियाँ ये वो अल्लाह सबको दे दुनिया की जीत है अलमाल वलबनून अजीनतल हयात दुनिया ये दुनिया की जीनत है अल्लाह सबको दे लेकिन क्या आगे है? वल बा हाथो सा तो खैर इंदो रब का सवाबन खैरम नेक माल वो रहेंगे बाकी माल भी जाएगा औलाद भी चली जाएगी बाकी रहने वाले तो नेक माल हैं और वही तुम्हारे रब के नज़दीक शवाब के एतबार से भी और उम्मीद लगाने के अतबार से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ है उनकी फिक्र करो अपने आप को अच्छा बनाओ अपनी जबान मीठी बनाओ लोगों के लिए सबसे बेहतरीन तुम में से वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा अनफ़ा है सबसे ज्यादा नफ़ा देने वाला है सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है ये है तुम में से बेहतरीन शख्स तुम में से बेहतरीन वो है मन आमल कुरान व मन क्या है मन था कुरान है जो कुरान सीखे और सिखाए बड़े खैरकुम खैरु खेरो, खैरुकुम खैरकुम आहली तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा हदीस को सर्च करें खेरुकुम कहाँ कहाँ लगे रसूल फरमाया खेरकुम तुमसे बेहतरीन वो है तुम्हें से बेहतरीन ये है तुम्हें से बेहतरीन वो है कॉन्टेक्स के एतबार से वो उस उसको हाईलाइट करके और हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें यही तो है जिंदगी इल्मिल करना और क्या होता है मैं इल्म सीखूँ और फिर अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ ताकि आख़त बनाओ अपनी अल्लाह ताला मुझे भी तोफ़ीक दें और हम सबको तोफीक दें मैं दीन की गहरी समझ आ जाए बस सच ही नहीं क्लू ना करें अपने ऊपर मेहनत करें इन और फिर दुनिया भी इसकी आखरत भी इसकी दुनिया में भी खैर मिलती है दुनिया में भी सुकून आता है कोई है ही नहीं आपने मेरा माल खा लिया मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करें तकलीफ़ होगी चोट लगेगी यार अल्लाह की मर्ज़ी चलो जाने दो ख़त्म हो जाएगी आग दो चार दिन में एक आध हफ़्ते में मिट जाएगी ठंडी हो जाएगी आपने को बदतमीज़ी कर दी तकलीफ़ होगी शदीद होगी जितना करीब होगा उतनी तकलीफ होगी लेकिन एक आध हफ़्ते में वो भी ख़त्म हो जाएगी इंसान सुकून में रहता है दुनिया भी सुकून में और आखरत भी इसी की है और आँख की बतुल्द तक की आखबत भी इसी इसी बंदे की है तो भाइयों प्लीज़ हम सब लोग दीन की मेहनत करें दीन की समझ हासिल करें दीन का इल्म हासिल करें ऐसे एक, एक जमात बना के रहें जो एक दूसरे को याद कराती रहें एक दूसरे के साथ बैठा करें एक याद दहानी करा करें एक एक बॉन्डिंग क्रिएट करें बिल हक व हो बिल सबर वाले बने एक दूसरे को हक बात की नसीहत करते रहें एक बात एक दूसरे को साबित कदम होने की नसीहत करते रहें ये भी ज़रूरी है असर की रोशनी में बस इस माहौल में रहें और दुआओं का अहमाम करें अल्लाह से मदद मांगें अपने ऊपर मेहनत करें इन शैर ही खैर निकलेगी दुनिया की भी और आखत की अल्लाह तब सबको अमल की तोफीक तो भाई हमेशा की तरह तोबा करके उठेंगे रोज़ाना तोबा करते हैं हम तो बंदा अपने आप से मुखलस होता है ना ओ माई गॉड उसको लगता है कि अच्छी बात मैं कर क्या रहा उसको अपनी नमाज में भी खामी नज़र आती है उसको अपनी इल्म पढ़ने पढ़ाने में भी खामियाँ नज़र आती हैं उसको हर चीज़ में खामी नज़र आती है वहाँ उसे अल्लाह की रहमत तो याद करानी पड़ती है और अल्लाह ताली का रहीम है इस साल अल्लाह ताली ने हज की तोफ़ी दी मैंने कहा हज पे जाएंगे बिल्कुल अपनी प्लेट साफ सूफ करके आएंगे ज गुजरे कितने चार पांच महीने हो गए और मुझे लगता है कि फिर हज पे जाना पड़ेगा हर साल हज पे जाना पड़ेगा ऐसे ही लगता है रोज ही नमाज बंदा पढ़ के कहता है तख्बर लाई मैंने कैसी नमाज पढ़ी किसी से बातचीत की उस पर ऊँची हो गई यार मैंने उससे ऐसे बात क्यों की कि मुझे अच्छे ज्यादा बेहतर तरीके से बात करनी चाहिए थी ये मैंने कैसे अल्फाज का चुनाव कर दिया ओह हो यार वो तो मैं कोई बेहतर बेहतर तरीका भी तो हो सकता था ये मैंने क्या किया वो मैंने उससे पैसे वापस लेने थे मैंने उससे थोड़ी सख्ती ज़्यादा कर दी लगता है नहीं थोड़े अच्छे तरीके से भी बात हो सकती थी हर चीज़ में इंसान को लगता है यार कोई ठीक कैसे करूँ अपने आप को लेकिन ये अगर इंसान को अल्लाह ताला तौफीक दे देना इस चीज़ की बस तो इनशा फिर अच्छी उम्मीद भी है अल्लाह से मायूस तो नहीं हो सकता मायूसी तो गुनाह है हराम है कुछ भी कर लें जिंदगी में आप और मैं मायूस नहीं हो सकते क्योंकि अल्लाह का हुक्म ला तकना तो रहमत अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो जो मर्जी कर लिया या इबादी अल्ल दीना या इबादी अल्लादीना अशरफ वाला अन पे ला तकना तुम अल्लाह मेरे उन बंदों से कह दो ली इबादी के या इबादी या इबादी है मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है इसराफ किया है ज्यादती की है अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो अल्लाह का हुक्म है तो फिर कैसे हो सकते हैं? लेकिन ऐसा भी ना हो कि इसके अंदर नबी इबादी गफूर और रहीम मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत नफ्फरत करने वाला और रहम करने वाला हूँ और आगे क्या है वन अदाबी वा अदाबुल अलीम और ये भी बता दो कि मेरा बड़ा सख्त है दोनों याद करा दो उनको दरमियान में रहना ना उम्मीद भी मत हो जाना अपनी ज़ात को देख के और ऐसा ना हो कि अल्लाह की रहमत से ऐसे धोखे में आ जाओ कि नफ्स और शैतान के पैरोकार बन जाओ ये भी मत करना दरमियान में रहना तो भाई और बस अपनी फिक्र करते रहे हम सारे के सारे अमल वाले बने रोज तोबा करें रोज इस्तार करें रोज हर वक्त अपने दिल पर एक नज़र रखें इनशा इस कैफियत को बनाने की कोशिश करें कभी कभी सोचा करें अब अभी अगर मौत का फरिश्ता आ जाए तो मैं क्या, क्या मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा लब हाजिर यहाँ पे ओ गॉड, रपी लउला इला करीब या थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए होगा तो मन लिका खानबी इसको अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद हो और अमलहा उसको चाहिए कि नेकाल करे अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद है मुलाकात होगी या फिर ओ माय गॉड ये क्या हो गया थोड़ा मुहासवा करना चाहिए ना। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि, कि अगर मेरे पास दस बिलियन तिरम आ जाएं तो क्या करूँगा ये कोई ऐसी फैंटेसी नहीं है ये हकीकत है एक दिन आएगा ना तो कभी भी हो सकता है तो अगर आ जाए आज तो मैं किस हाल में हूँ अगर हाल बुरा है तो मेरे भाइयों फिर तो फिक्र की ज़रूरत है कि नहीं और ये ये होने वाला है ये ऐसा बात सरप्राइज़ नहीं पकड़े जाएंगे ये हकीकत ये तो बता दिया गया हमको कि भाई होने वाला है होगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों अगले साल दो साल बाद दस साल बाद जब भी अल्लाह ने लिखा है अल्लाह को पता है और ये भी अल्लाह ताला की हमतों में से कि अल्लाह ने बताया नहीं है ताकि हर वक्त यार अगर हो ना मेरी फ़्लाइट है मंडे को तो मैं कहूँगा यार संडे को आराम से बैग पैक करूँगा लेकिन अगर हो कि जी किसी वक्त भी कॉल आ जाएगी कि जी फ़्लाइट तैयार है फ़ौर दो घंटे में पहुँच जाओ तो क्या करेंगे हर वक्त बैग पैक करके रखेंगे कि नहीं रखेंगे जरूरी ज़रूरी सामान आखिरी मोमेंट में थोड़ी दो चार चीज़ें पकड़ी तो पकड़ ली वैसे मेन सामान तैयार रहेगा बिल्कुल ऐसे ही किसी वक्त भी कॉल आ जाएगी चलो भाई फ्लाइट तैयार है बैग पैक करके रखना चाहिए भाइयों इंशाल्लाह सब तौबा कर लेते हैं मैं भी करता हूँ क्लिमा को तजीद ईमान की नीयत से और तोबा की नीयत से पढ़ लें और जो में तौबा तो करना चाहता है उसकी नियत भी कर सकता है तो अगर हम सब लोग इखलास के साथ कहें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमनतु बिललाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शररिही मिन अल्लाह तआला वल बा'स बादल मौत आमनतु बिललाहि कामा हुवा بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين अखबार के साथ भाई और दरुदशी का भी अहतमाम किया करें तिलावत में आपको बता चुका हूँ समझ के करें और कुछ अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ के भी बैठा करें आँखें बंद करके कुछ अपने दमाग को खाली करेंसा नफसी के आलम में कुछ अल्लाह से लो लगा के बैठा करें कुछ देर वक्त निकाला करेंद्लाबी अल्लादिन महम्मद वाल महमद वालिक वसलम جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آه أهله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحم الرحيمين يا الله اسم مجلس کو قبول فرما لیجے. يا الله يا رحم الرحيمين اللہ آپ کی توفیق سے جو بات ہوئی جو اچھی بات کی اللہ قبول بھی فرمائیے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیے يا الله جو غلطی ہو گئی جو کمی کوتاہی या अल्लाह उससे दरगुजर भी फरमा दीजिए मेरा याम आप हम सब को हमारी ज़ात से भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं मेरे मालिक अल्लाह आपको आपको सब पता है वो भी पता है जो हमको नहीं पता या अल्लाह हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं या अल्लाह अपनी रहमत से अपने क्रम से अपनी सख़ा से आफ़ियत के साथ या हम सब की असलाह फरमा दीजिए या अल्ला रबाना जदनामा या अल्लाह हमारे इल्म में भी इजाफा फरमाइए अल्लाफ़ ना फ़िर दीन या हमें दीन की भी गहरी समझ समझता फ़रमाइए अल्लाह हमारे अख्लाक अच्छे कर दीजिए हमारी ज़बान मीठी कर दीजिए अल्लाह हमारी आँखों में हया पैदा कर दीजिए हम या हमारे दिलो दमाग़ में हमारे एहसास में या अल्लाह उसमें भी हया पैदा कर दीजिए या अल्लाह हमें लोगों के लिए अच्छा सोचने वाला बनाइए दरगुजर वाला बनाइए मोहब्बत वाला बनाइए अल्लाह अल्लाह दिलों से नफरत हसद की ना बहुत दूर फरमा दीजिए यार हम या अल्लाह खैर के फ़ैसले फरमा दीजिए अल्लाह हमें अपनी शदीद महब्बत अदा कर दीजे खरे अल्लाह आका नबी करीब सलातम की जानसार मोहब्बत दे दीजे या राबर राहमी अल्लाह खैर के फैसले फ़रमा दीजिए अल्लाह हमारे वालदेन पर भी करम फ़रमाये रबर कमार्बा रब यानी सवीर ربنا من قرة बना हबलना मनसवाजीनाद्रियात आय वज्लामकीन इमामा सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल कर अलम काबिल नहीं है आप कबूल कर लीजिए वसाइल दे दीजिए इसबाब दे दीजिए मुखलिस माविन दे दीजिए हर शरीर के शर से बचाइए द जाली फितनों से बचाइए यारहमी हमारे सजा कराम हमारे मशाफ़ क्या जिन्होंने हमारे ऊपर एहसान किए हैं हमें सिखाया है अल्लाह उनको हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ाय ख़ैर अदरम अल्लाह तीनों हरम की हिफाजत फरमाई है अल्लाह बार बार ज़्यारत की तोफ़ी अदा फ़रमी अल्लाह सब की दुआएँ कबूल कर दीजिए सबकी परेशानियाँ दूर कर दीजिए जो बीमार से है सेहत दे दीजिए अल्लाह उम्मत मुसलिमा की अपने जनूद से नुरत फरमाई यार हमर राहमीन क्या सब की परेशानियाँ दूर कर दीजिए अल्लाह जो जो क्या अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है सबकी को कबूल कर ले यार हमर राहम अपने वक्त पे आत्मा बिलखैर कलमे का यकीन का रहमत का मफफ़रत का अता फरमाइए हमारी क़ब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दीजिएगा सवालों को आसान कर दीजिएगा क्या अल्लाह क़यामत के दिन को ज़िंदगी का सबसे आसान दिन बनाइएगा या अल्लाह अपने साए में जगह अता फरमा दीजिए नबी करीम सलातम की शिफात और उनके हाथ से वह कोसर से जा मत फ़रमा दीजिएगा अल्लाह उनकी शिफात के ज़रिए से अपनी रहमत से या सब को कुछ जन्नतफरदोस में अपने अपने अजीज़ अकारारब अपनी औलाद अपनी नस्लों के साथ यहाँ हम सब को या नबी क़रीम करीबलातम के कदमों में जवाब फ़रमा दीजिएगा और यह अपना दीदार बेहिजाब अपनी दायमी रज़ा अतः या अल्लाह मांगना नहीं आता बिन मांगे ही अता कर दीजिए अल्लाह बहुत ज़रूरियात हैं जो बहुत हाजात हैं दुनिया की आखरत की या अल्लाह हमें हमारी हाजात को भी जानते हैं अल्लाह आसानियाँ पैदा कर दीजिए बरकतें अता फरमा दीजिए रबना तकबल मकसमिमत वाली रहीम सल्लिनबी करीम करीम